पीएम मोदी ने की द्रौपदी मुर्मू की तारीफ, कहा आदिवासी समाज को मुख्य धारा से जोड़ने में मिलेगी मदद। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक खत्म, पीएम मोदी ने हैदराबाद को कहा भाग्य नगर। आदित्य ठाकरे का बागी विधायकों पर हमला, कसाब को भी इतनी सुरक्षा नहीं मिली थी जितनी उन्हें मिली। अग्निपथ के विरोध में आप कार्यकर्ताओं ने कटोरा लेकर मोदी सरकार के लिए मांगी भीख, भेजेंगे 420 रुपए। भारत और इंग्लैंड के बीच चल रहे पांचवें टेस्ट के दौरान आपस में भिड़े विराट कोहली और जॉनी। स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम उत्तर प्रदेश की। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी में बड़े बदलाव की तैयारी में एक और कदम बढ़ाया है। उन्होंने सपा के यूपी अध्यक्ष को छोड़कर पार्टी के सभी युवा संगठनों, महिला सभा और अन्य सभी प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष सहित राष्ट्रीय और राज्य कार्यकारिणी को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है, जिसको लेकर भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी की प्रतिक्रिया सामने आई है। चलिए आपको दिखाते उन्होंने क्या कुछ कहा। समाजवादी पार्टी अपने राज्य की कार्यकारिणी या अपने मोर्चा प्रकोष्ठों को भंग करे, ये उसका आंतरिक मसला है। लेकिन इस सवाल का जवाब तो जनता के बीच में आज समाजवादी पार्टी को देना ही पड़ेगा कि आखिरकार क्या कारण है कि जब से अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी की कमान संभाली है, तब से लगातार चार बड़े चुनाव, 2014 का चुनाव हो, 2017 का चुनाव हो, 2019 का चुनाव हो या 2022 का चुनाव हो, लगातार एक के बाद एक समाजवादी पार्टी पराजित हुई है। इसकी जवाबदेही अखिलेश यादव जी स्वयं क्यों नहीं लेते हैं? वो राज्य की कार्यकारिणी पर जिम्मा थोपते हैं, मोर्चे प्रकोष्ठों पर जिम्मा थोपते हैं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष की जवाबदेही कोई क्यों नहीं बनती है? इस सवाल का जवाब तो देना ही पड़ेगा। खबर अलीगढ़ से है, जहां बाइक सवार पिता और बेटे को पीछे से आए तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसके बाद बाइक सवार पिता और बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं मौजूद स्थानीय लोगों ने घायलों को उठाकर इलाज के लिए अस्पताल भेजा, जहां घायलों की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। खबर कन्नौज से है, जहां बीएसएनएल बिल्डिंग में इन दिनों शराब की महफिलें जम रही हैं। यहां के उपमंडल अभियंता ने इसे मैखाना बना दिया है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो जब कन्नौज डीएम राकेश कुमार मिश्रा के पास पहुंचा तो उन्होंने इसकी जांच शुरू करवा दी। डीएम का कहना है कि एक टीम बनाकर जांच करवाई जा रही है, दोषी पाए जाने पर संबंधित एसडीई और अन्य लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो वीडियो आया है सामने, वो प्रथम दृष्टया लग रहा है कि कार्यालय में कुछ इस टाइप की हरकतें लोग कर रहे हैं बैठ करके, तो इसकी टीम बना करके हम जांच कराएंगे, और अगर ये वास्तव में घटना सही है जो वीडियो में दिख रहा है, तो सबके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई कराएंगे। खबर अलीगढ़ से है, जहां के थाना सासनी गेट क्षेत्र अंतर्गत आने वाले भुजपुरा क्षेत्र में दहेज की मांग पूरी न होने पर ससुराली जनों ने बहू और उसके पिता सहित अन्य परिजनों के साथ जमकर मारपीट की, जिसमें चार लोग घायल हो गए हैं। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस घायलों को जिला अस्पताल ले गई, जहां मेडिकल परीक्षण के बाद उनका उपचार जारी है। वहीं पीड़िता की शिकायत के अनुसार इलाका पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। मैं भांजो के लिए आम गेवर लेके गई थी, वहाँ जगह है ना, इसका सामान फेंका हुआ देखा था मैंने। कहाँ पे? किसका? अपने बहन का, मामा की नौटिया का सामान निकला हुआ के फेंका है। क्या नाम है बहन का? फूल। फिर क्या हुआ? इसके साथ में मारपीट कर रही, मैं चुपचाप बैठी, मैं बचा रही बीच में। फोन कर रहा था? आदमी का था, इसका एक देवा था। हाँ, एक देवा था, एक नंद थी। खबर आए बरेली से है, जहां गांव में बन रहे आयुर्वेदिक अस्पताल के परिसर में स्थित शौचालय के खुले टैंक में गिरने से बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने ठेकेदार को बच्चे की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया और कहा कि ठेकेदार की लापरवाही के चलते शौचालय के
टैंक में गिरने और बारिश होने से टैंक में भर गया और डूब कर बच्चे की मौत हो गई। ये वहाँ अस्पताल का खाते सरकारी बन रही थी, हाँ, आयुर्वेदिक, तो वहाँ का खाते लाइटिंग का गड्ढा खुदाए थे ठेकेदार, और लड़का भैंस लेके उधर गया था, और उसको ध्यान नहीं आया का कल बारिश हुआ था, बारिश में पानी भरा था गड्ढे में पूरा तालाब का खेत में, और उसी में जा उसको मालूम नहीं पड़ा, वो जाके गिर गया उसमें, और भैंस खिदाने गया था, और वहाँ आयुर्वेदिक अस्पताल बनी है, उसका उसके बगल में गड्ढा लाइटिंग का खुदवाया ठेकेदार 2-3 महीना से, और ना उसको बैरिगेटिंग किया और ना कुछ, इसलिए वो बच्चा जान ना पाया, उसमें गिर गया। खबर अलीगढ़ से है, जहां नगर निगम मनमाने ढंग से गृहकर बढ़ाए जाने पर महापौर मोहम्मद फुरकान द्वारा कड़ी आपत्ति जताई गई है। महापौर फुरकान द्वारा कहा गया कि पिछले कई वर्षों से जनता कोरोना से त्रस्त है और महंगाई भी अपने चरम पर है, जिससे जनता पर अतिरिक्त बोझ बढ़ रहा है, इसलिए इस प्रकार से गृहकर बढ़ाया जाना उचित नहीं है। मैं और मेरे समस्त पार्षद जनता के हित में जनता के साथ खड़े हैं और जिले की जनता का अहित नहीं होने देंगे। देखिए, जैसा कि हाउस टैक्स नगर निगम ने बढ़ाया है, वो हठधर्मी है नगर निगम अधिकारियों की और जो सर्वेयर हैं उनकी, जनता पे इतनी मार पड़ी हुई है, कोरोना की मारी हुई जनता है, रोजगार की मारी हुई जनता है, महंगाई की मारी हुई जनता है, और नगर निगम ने गृह कर का इतना लंबा टैक्स लगा दिया है कि एक व्यक्ति हैं जावेद साहब, जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार से अभी सेवानिवृत्त हुए हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से, उनके मकान 300 वर्ग गज में बना हुआ है, उनका 18 लाख रुपये का वार्षिक कर लगा दिया है, क्या वो बेच के अदा करेंगे अपना गृह कर? खबर आगरा से है, जहां थाना पिनाहट क्षेत्र में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। दंपति के मर्डर की वजह से आक्रोशित व्यापारियों ने बाजार बंद कर दिया। इस मामले पर आगरा एसएसपी का बयान भी सामने आया है। आगरा एसएसपी का दावा है कि जल्द पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा, तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, इसके साथ ही पुलिस गहनता से घटना की तफ्तीश में लगी है। पिनाहट कस्बे में सुबह पुलिस को सूचना मिली थी कि दो लोगों की जो पति पत्नी है उनके दरवाजे खुले हुए हैं ऊपर से, जिन लोगों ने देखा था, मौके पर पुलिस ने जाके देखा तो वहाँ पे पति पत्नी दोनों ही मिले, जिनकी उम्र 65 से 70 साल के बीच में है, और एक के सिर पे चोट के निशान थे, चेक किया गया, फिर हॉस्पिटल भिजवाया गया, तो वो दोनों मृत घोषित कर दिए गए। कमरे में सामान अस्त व्यस्त पड़ा था, परिजनों को सूचना दी गई है, वो तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। खबर कानपुर से है, जहां बकरीद के त्योहार को लेकर बास मंडी स्थित शालीमार गेस्ट हाउस के पास पीस कमेटी और सम्मानित लोगों के साथ बैठक की गई। वहीं एसीपी अनवरगंज ने कहा कि पुराने रिवाज से ही बकरीद मनाएंगे और बकरीद के साथ ही उन्होंने बिजली पानी साफ सफाई दुरुस्त रखने के निर्देश भी दिए हैं। मैसेज एक ही है कि हम लोग बिल्कुल शांति से, सौहार्द से, आपसी भाईचारे से और अनुशासित रहकर पूरे उल्लास से इस त्यौहार को मनाएंगे, पूरी सतर्कता बरतेंगे। देखिए, तैयारियों का यहाँ तक प्रश्न है, आज हम लोगों ने शांति समिति की बैठक की है यहाँ पर सर्किल स्तर पर, और इससे पूर्व भी जो है केंद्रीय शांति समिति की बैठक हो चुकी है। इसमें जनरली हम लोगों की तरफ से जो शासन और प्रशासन के जो निर्देश हैं जनता तक पहुँचाने का प्रयास किया गया है इसमें, और ये कोशिश की गई है बताने की कि जो भी परंपरागत चीज़ें हैं उनको पालन करना है, परंपरा के अनुसार कार्य करना है। खबर मैनपुरी से है, जहां पुलिस जनपद को अपराधी मुक्त बनाने को लेकर एक्शन मोड में है, जिसके चलते 25,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने धर दबोचा है। बता दें, पुलिस चेकिंग के दौरान अपराधी ने भागने की कोशिश की, अपने आप को घिरा देखकर अपराधी ने पुलिस पे तमंचा साधकर फायरिंग भी की और इस मुठभेड़ में अपराधी घायल हो गया। सूचना मिलते ही एसपी और सीओ कुरावली संजय कुमार वर्मा भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। 25,000 का इनामी शातिर अपराधी एलआईयू थाने का हिस्ट्री सीटर मुनेश आज पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ है।
आज वाहन जब चेकिंग किया जा रहा था उसी दौरान दो बदमाश मोटरसाइकिल से भागे, पुलिस ने पीछा किया, पीछा के दौरान पुलिस ने फायर किया, पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ गोली चलाई जिसमें मुनीश घायल हुआ और एक उसके भाई राजीव पकड़ा गया। दोनों के पास से तमंचा बरामद हुए हैं। खबर गाजियाबाद से है जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां अंतर्राज्य 5 चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसको लेकर पुलिस ने बताया कि बाइक चोर पिछले कई महीने से दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे, जिसको अब गिरफ्तार कर लिया गया है और इनके पास से चोरी का सामान भी बरामद हुआ है और आगे की कार्यवाही में पुलिस जुट गई है। ये देखिए, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत क्षेत्राधिकारी इंदिरापुरम के कुशल नेतृत्व में टीम कौसाम्बी के द्वारा एक अच्छे गैंग का खुलासा किया गया है, जो वाहन चोरी करते थे और उसको काट करके उसके पार्ट्स को दिल्ली एनसीआर में बेचते थे। आज इसमें 5 लोग पकड़े गए हैं, जिनसे 5 बाइकें बरामद हुई हैं तथा करीब 3 से 4 कुंटल सामान जो कटा हुआ है वो बरामद हुआ है। इन सभी के खिलाफ उचित वैधानिक कार्रवाई करते हुए इनको जेल भेजा जा रहा है। बांदा में एक सड़क हादसे में महिला की मौत हो गई, वहीं इस हादसे में एक मासूम बच्ची भी गंभीर रूप से घायल हो गई है। घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने महिला का शव हाईवे पर रखकर जाम लगा दिया। घंटों तक जाम लगने के बाद सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने ग्रामीणों को समझा बुझा करके जाम को खुलवाया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ये श्रीमती जग्गी पत्नी कालीचरण यलिया गांव थाना बिसंडा क्षेत्र की रहने वाली थी। आज सुबह ये अपने घर से अपने डेरा पे जहां इनकी भैंसें बनती हैं वहां जा रही थी जी। किसी अज्ञात वाहन ने इनका एक्सीडेंट कर दिया था जिसमें इनकी मौके पे ही मृत्यु हो गई है जी। लगभग 9 माह की एक बेटी है, वो भी घायल हुई है जी। हमने तत्काल उसको उपचार हेतु बांदा भिजवाया है जी। परिजनों ने तहरीर दी है, तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है। खबर अलीगढ़ से है जहां बच्चों के मामूली से विवाद में लाठी डंडे चल गए, जिसमें पिता और बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसके बाद दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। बता दें यह पूरा मामला थाना विजयगढ़ क्षेत्र के गांव खजांची नगला का है। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस